मैम क्या कहेंगे प्रज्ञा फाउंडेशन जिस तरीके से क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा इवेंट है आज जो वुमेन इक्वालिटी डे पे ये प्रोग्राम किया गया है और वुमेन एंटरप्रेन्योर वुमेन जिनकी सोशल इम्पैक्ट फैक्टर देख के और जो इस तरीके के 3 अवार्ड कैटेगरीज थी तो इट्स अ नाइस इनिशिएटिव और बहुत अच्छा है कि अगर हम जो इस तरीके के सोशल इम्पैक्ट ला रहे हैं जो लोग सोसाइटी में अपने स्तर पर थोड़ा थोड़ा काम करके ही बहुत कुछ कर रहे हैं तो उन लोगों को अगर हम फेलिसिटेट करते हैं तो एक तरीके से उन्हें एनकरेजमेंट मिलता है कि आगे बहुत ही अच्छा और अच्छा कर सकें और सोसाइटी में एक डिफरेंस ला सकें। दूसरा ये कि जहाँ जो औरतों का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा होता है सोसाइटी की फॉर्मेशन में, बच्चों से लेकर जो हम बाकी भी फील्ड्स में देखते हैं, तो अगर आप अपने साथ के लोगों को अगर धीरे धीरे एक एक को भी अगर आप जागरूक कर सकते हैं और उनको कुछ मकाम हासिल करने में अगर मदद करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा है और प्रज्ञाता फाउंडेशन इसमें बहुत अच्छा काम कर रही है। लगातार कई साल से प्रज्ञाता फाउंडेशन काम कर रही है, खास करके कोविड काल में भी काफ़ी काम किया। जी, प्रज्ञाता फाउंडेशन ने काफ़ी अच्छे काम किए हैं और ये बहुत अच्छा है कि ये लगे हुए हैं। आयुष के साथ भी इन्होंने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं, पीछे हम लोग इनके एक आयुष के प्रोजेक्ट में भी आए थे, तो इस तरीके का अच्छा काम ये आगे भी करते रहें इसी के साथ हमारी शुभकामनाएँ। सर हिंदी में अंग्रेजी हिंदी में राहिल टंडन क्या कहेंगे राहिल जी आज जिस तरीके से प्रज्ञा फाउंडेशन का ऑनर्स डे व्यवहार सम्मान क्या कहेंगे? सर मुझे लगता है कि आज प्रज्ञा फाउंडेशन ने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है, बहुत ही खूबसूरत काम किया है क्योंकि आज जन्माष्टमी है, वुमेंस डे है और औरतों की इक्वालिटी के लिए जो उन्होंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन किया है, एक अवार्ड सेरेमनी रखी है जहाँ पे इतने सारे औरतों को अवार्ड्स भी दिए गए हैं, द ट्रू अचीवर्स हु हैव एक्चुअली फॉट फॉर एम्पावरिंग वुमेन इन लाइफ, उनके लिए इतना महत्वपूर्ण काम किया है तो आई थिंक इट इज़ ट्रूली ग्रेट इन इटसेल्फ। लगातार ममता जी लगातार जो है प्रज्ञा फाउंडेशन की है मगर लगातार कुछ ना कुछ कर रही है जी, कोविड काल में भी काफ़ी काम किया। बिल्कुल, कोविड काल में भी काफ़ी काम किया है, उस वक्त मेरे ख्याल से दवाइयों के रिलेटेड काफ़ी काम किया था बच्चों को और खाना काफ़ी सप्लाई किया लोगों को, राशन सप्लाई किया करती थी मैम, तो मैं ऑलरेडी जानता हूँ इनके सारे इतने सारे खूबसूरत कार्यों को जो मैम एक बहुत सेल्फलेस वे से किए जा रही हैं। शी इज़ ट्रूली अ वेरी गिविंग पर्सन एंड ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है हमें दुनिया में जो चाहते हैं कि इस दुनिया को और हर आने वाले दिन को और बेहतर और खूबसूरत बनाएं। सो वी शुड बी वेरी हैप्पी फॉर हैविंग पीपल लाइक हर। ममता जी, आज का जो प्रोग्राम था क्या था, कितने महिलाओं को अवार्ड से सम्मानित किया गया, क्या था पूरा बताएं? आज का जो ये हमारा प्रोग्राम था, ये वीमेंस इक्वालिटी डे हमने सेलिब्रेट किया है एंड इसके उपलक्ष्य में हमने महिलाओं को सम्मानित किया है जो कि अलग अलग फील्ड्स में बहुत अच्छा काम कर रही हैं सोसाइटी के लिए, समाज के लिए। जैसे हमने 3 कैटेगरीज रखी हैं, एक एंटरप्रेन्योरशिप, लीडरशिप एंड सोशल इम्पैक्ट, इन तीनों कैटेगरीज में हमने नॉमिनेशंस इन्वाइट किए थे एंड उसमें से फाइनलिस्ट सेलेक्ट किए थे 12। हर कैटेगरी में 4 फाइनलिस्ट थे, उनमें से हमने जजेस के थ्रू विनर सेलेक्ट किए, उनको अवार्ड दिए। चीफ गेस्ट में कौन थे, क्या कह रहे हैं? चीफ गेस्ट में मिस रेनू टंडन है जो कि रिनोन फैशन डिजाइनर हैं, वो आए हुए थे आज हमारे साथ। और किन लोगों को जो है सम्मानित किया गया? जो भी इन 3 कैटेगरीज में विनर्स थे, जजेस ने जिनको भी विनर्स डिसाइड किया, उन सबको हमने आज सम्मानित किया। यहाँ पर देखिए कि हर कोई यहाँ पर लोग आए, जैसे कुछ पॉलिटिकल भी लोग आए, क्या कहेंगे? देखिए, सभी लोग जो भी पॉलिटिक्स से हैं या एंटरप्रेन्योरशिप से हैं या जो जहाँ अलग अलग फील्ड से आए, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई सोशल एक्टिविस्ट है, सभी ने कुछ ना कुछ अपना योगदान दिया इस कार्यक्रम को सफल बनाने में एंड सभी ने महिलाओं को प्रोत्साहित किया है, महिला समानता के ऊपर बात की है, उनको काफ़ी मोटिवेट किया ताकि वो अपने हर कार्य क्षेत्र में आगे निकल सके। यहाँ पर कई लोगों ने आपकी बहुत तारीफ की कि कोविड काल में आपने काफ़ी मदद किया, उसको लेके वो आशीर्वाद मिला, वो अभी तक आपका कंटिन्यू चल रहा है, क्या कहें? जी बिल्कुल, ये सब आशीर्वाद का ही नतीजा है कि जहाँ हमने एक छोटे से एनजीओ से, एक सड़क से हमने शुरू करके, हम झुग्गियों में जाते थे बच्चों को पढ़ाने के लिए, तब तक हमने रजिस्टर भी नहीं कराया था अपना एनजीओ, हमने 1 तक ऐसे ही किया। आज हमें 10 पूरे हो गए हैं और आज धीरे धीरे करके हमारे साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं और सबकी मदद से आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, सबके आशीर्वाद से।